बार बोर्ड कैंसिल होने के नतीजे, यानी देखो मेट्रो में पब्जी जो चीजें चलती है ट्रेंड में, क्लोथ्स हैं वो आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 340 रुपए में जीन्स ली। सो हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहन, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। सो एक्चुअली गाइस, मैं ये लाइन जो है 3 से 4 महीने बाद बोल रहा हूँ। ऑब्वियसली भाई, इसके पीछे का रीज़न सिर्फ दो ही हैं, एक तो लॉकडाउन एंड सेकंड मेरा आलसपन। यानी भाई मैं इतना ज़्यादा लेजी हो चुका था, अब यानी अभी भी हूँ भाई। आज मेरे को काम है CP में, यानी आज मैं जाने वाला हूँ कनॉट प्लेस, वहाँ पे कुछ काम है एंड कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी आप सभी को मैं लेके चलता हूँ फटाफट से CP एंड वहाँ पे चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, दिखाऊंगा क्या सिचुएशन है। एंड अभी हम चलते हैं मेट्रो से, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, शुरू कर दिया। सो गाइस, मैं रेडी तो हो चुका हूं, बट भाई एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी फेस मास्क, तो मैं आप सभी को दिखाता हूं। फिलहाल मैंने जो है यहाँ पे अपने खुद के कस्टमाइज मास्क जो है बनवाए थे, एंड आप देख सकते हैं भाई ये काफ़ी अच्छे मास्क, आप देख सकते हो इसमें मेरे टेक चैनल का लोगो है। एंड भाई यहाँ पे आप देखेंगे तो इस मास्क में मेरा रोहन ATS लिखा है, जो ये वाला चैनल है, ब्लॉगिंग चैनल। एंड जो सबसे ज़्यादा यूनिक लगता है मुझे वो ये है, हे नमस्कार दोस्तों, हमारी मेन लाइन, हमारी जान, हमारे यूट्यूब करियर की शान, ये हमारी हे नमस्कार दोस्तों। एंड गाइज, ये भी काफ़ी अच्छे जो है फ़ोन पे मैंने लिखवाया था। तो ये कुछ इस तरीके से फेस मास्क है और इस पर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है मेरे चैनल पर। तो फिलहाल अभी इसको वेयर करते हैं भाई, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। देखा भाई, इस बार बोर्ड कैंसिल होने के नतीजे, यानी देखो मेट्रो में पबजी खेली जा रही है, यानी BGMI भाई, क्या ही बोल सकते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं तो आप सभी को पता होगा भाई, यही एक ऐसा जो है मेट्रो स्टेशन है जहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी, और आप देख सकते हो भाई पूरा ही खाली पड़ा है, ऐसा लग रहा है भाई पता नहीं क्या ही हो गया इस मेट्रो स्टेशन को। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू कोरोना वायरस, भाई क्या ही बोल सकते हैं। फ्यू मोमेंट्स लेट, एंड भाई फिर हम आ चुके हैं यहाँ पे पाली का बाजार। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड तो नहीं है, लेकिन हाँ लोग हैं। एंड ये आ गया हमारा पाली का मार्केट है, ठीक है भाई काफ़ी ज़्यादा क्राउड नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ क्राउड है एंड लोग मास्क पहनते, अच्छी बात है। और अभी हम चलते हैं आगे, एंड देख सकते हो आप भाई कुछ इस तरीके की मार्केट है। एंड ये जो आपको इस तरीके की शॉप मिलेगी सारी, यहाँ पे क्लोथ भी है, ज्वेलरी है, और ज़्यादातर यहाँ पे आप सभी को मेंस का देखने को मिलेगा एंड फीमेल्स का भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात है, ट्रेंडिंग जो चीज़ें चलती है, जैसे जो भी एकदम ट्रेंड में क्लोथ्स हैं, वो आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेंगे बहुत सही प्राइस में। और आगे मैं आप सभी को दिखाता हूँ भाई मैंने क्या परचेज़ करा। एंड भाई यहाँ पे आप सभी को अपने स्मार्टफोन के लिए कवर एंड ईयरफोन्स, ब्लूटूथ स्पीकर सब कुछ देखने मिलेगा अगर आप बार्गेन सही से करते हो तो, सही बात है। अभी यहाँ पे हम आए हैं एक शॉप पे, एंड आप देख सकते हो भाई यहाँ पे आप सभी को बहुत सारी जीन्स देखने मिलेगी। यानी ये लोग कह रहे थे एक जीन्स 1200 रुपये की है, एंड हमने बार्गेन करके यानी 340 रुपये में ये जीन्स ली। आप अच्छी खासी बार्गेन करते हो तो अच्छी बात है, वरना अगर आप बार्गेन नहीं कर पाते हो तो भाई आपका तो लॉस ही हो जाएगा। गाइस यहाँ पे सबसे बड़ी बिल्डिंग है स्टैंसी की, एंड यहाँ पे भाई इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी। हम जा रहे हैं बंगला साहिब, एंड हमने शॉपिंग तो कर ली, ठीक हुई यानी। और मास्क बताओ आप कैसा लग रहा है भाई? तो मैंने दो मास्क पहन रखे भाई, पहली बात बता दूँ। फिलहाल चलते हैं बंगला साहिब, उसका दिमाग को पीस मिलेगा, चलते हैं। गाइस सारी मार्केट बंद है फिलहाल, देख सकते हैं काफ़ी कम क्राउड है, बट मार्केट बहुत कम खुली है। एंड जो भी यानी खुली है भाई, ये बिल्डिंग है CP की सबसे बड़ी बिल्डिंग, और बहुत कम बंदे यानी इस पर कंपैरेटिवली जितने होते हैं उससे कम है, काफ़ी कम रेस्टोरेंट्स खुले हैं। तो फिलहाल भाई ऐसे आप टेंपर लगवा सकते हैं। अभी हम टेंपर चेंज करा रहे हैं अपने स्मार्टफोन में, जरा यानी शॉप से बढ़िया ऐसे रिटेलर्स, यानी कौन है, कहाँ से आते हैं, पेडलर से करवाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा भाई, यहाँ पे थोड़ा इनको अर्निंग भी हो जाती है। शॉप की तो खैर होती रहती है, यहाँ पे थोड़ा इनको सही मिल जाएगा, तभी लगाते फिर दिखाते हैं आपको। हमारा टेम्पर यहाँ पे लग चुका है, टेम्पर लग चुका है। गाइज आई एम बैक होम, एंड भाई मैं सच में बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। सो गाइज अभी मैं आप सभी को बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो यार मैं अराउंड 3 से 4 महीने बाद बाहर निकला हूँ, एंड आप लोगों के लिए ये चीज़ नॉर्मल होगी भाई, आप लोग घूमते होंगे, बट मेरे लिए ये चीज़ अलग है। यानी लोग बाहर इन ऐसे जगहों पे जो है अभी भी स्टिल ऐसा नहीं लगता कि भाई कोई कोरोना नाम की चीज़ आई थी। हाँ लोग मास्क पहनते हैं, गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, बट इतना ज़्यादा क्राउड यानी इतना भी नहीं था, लेकिन हाँ उतना जो है एक टाइम आप जो समझ सकते हैं कोविड के टाइम,
ऐसा मुझे लगा, ये मेरे ओपिनियन हो सकता है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो मैं यहाँ से मेट्रो में गया एकदम सेफली, यानी आराम से पहुँच गया, लेकिन आते टाइम भाई मेट्रो के लिए मुझे अराउंड 1.5 से 2 घंटे की लाइन में वेट करना पड़ा। आप देख सकते हो भाई इस वीडियो में यहाँ पे अराउंड 150 से 200 लोग होंगे, एंड इसके पीछे का मुझे जब रीज़न पता चला ये लाइन क्यों लग रही है, तो अंदर भाई कोविड गाइडलाइंस फॉलो कर जा रही है मेट्रो में। भाई इस चीज़ की आयरनी देख रहे हो आप, यानी बाहर भीड़ हो रही है और अंदर कोविड गाइडलाइंस फॉलो करने जा रही है। कुछ भी। फिर मैंने सोचा चलो यार 1.5 से 2 घंटे वेट करा, अंदर थोड़ा सा खाली होगा, मस्त जाएंगे। और भाई साहब ये क्लिप देखो, यानी अब भाई मैं क्या बोलूँ, अब इतनी ज़्यादा जो है सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, यानी क्या ही बोलूँ मैं। और बाकी मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने ट्रांसपोर्ट से करो, मेरे से तो गलती हुई है भाई, आगे से मैं कार से जाऊँगा, तो ये चीज़ करनी है आपको, ध्यान देना है। मैं यहाँ पे जो है बंगला साहिब गुरुद्वारा भी गया था, एंड मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी फेलो क्रिएटर्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो यार उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप वहाँ का ब्लॉग बनाते हैं गुरुद्वारे का, तो प्लीज़ ना बनाएं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी आप सभी को बोलेंगे कैमरा अलाउड नहीं है। तो अगर आप वहाँ पे व्लॉग बनाएंगे और उन लोगों को जो जिनका मन करता है जाने का, उनके अंदर की जो है एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी। एंड गाइस वहाँ सच बताऊँ तो इतना ज़्यादा पीस मिलता है, मैंने जो है कैमरा नहीं छुआ, जाते हुए मैंने सिर्फ एक सेल्फी ली थी, वो भी मैंने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं डाली। बट मैं यही बोलूँगा आपसे, जितना हो सके आप जो है वहाँ पे फोटोज़ और ये सब मत करना। बाकी अगर आप रेगुलरली जाते रहते हैं वहाँ, तो आप सभी को गाइडेंस तो पता होगी। बात करता हूँ पालिका मार्केट के बारे में, यानी पालिका बाजार के बारे में। वहाँ पे लोग यानी जो शॉपकीपर्स हैं, वो आप सभी को भाई ऐसे ऐसे पकड़ेंगे कि भाई आ जाओ हमारी दुकान में, आ जाओ हमारी दुकान ही ले लो भाई। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। बाकी वहाँ से जो मैं चीज़ें लाया हूँ, मैं आप सभी को दिखाता हूँ क्या क्या प्राइस पे मेरे को चीज़ें मिली। सो गाइस ये है हमारी पहली शर्ट जो आप देख सकते हैं, ये हाफ शर्ट है, एंड इसका जो है काफ़ी सही प्राइस मेरे को मिल गया था, अराउंड 250 रुपीज़। एंड यहाँ पे इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी, हाफ शर्ट है एंड काफ़ी अच्छी लग रही है। बात करते हैं मेरी फेवरेट टी शर्ट के बारे में, जो ये है। एंड गाइस इसकी जो प्रिंट था भाई, मैं इस पर जो है फिदा हो चुका हूँ, एंड भाई बहुत ज़्यादा अच्छा प्रिंट है, पीछे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा प्रिंट है, तो इसके प्रिंट की वजह से मैं लाया। एंड यहाँ पे भाई ये चीज़ लास्ट मेरा लोअर लाया, एंड लोअर भी काफ़ी ज़्यादा सही क्वालिटी का है, एकदम बेल बॉटम लोअर है, कोई भी भाई यहाँ पे आपको नैरो नहीं देखने मिलता, तो ये है। बाकी यार मुझे क्वालिटी का कोई अंदाज़ा नहीं है, यानी मैं आप सभी को नहीं बता सकता इतनी अच्छी क्वालिटी है, ये है वो है। अभी देखने में चीज़ अच्छी लग रही है, बट जब मैं इसको यूज़ करूँगा तो भाई मेरे को पता चलेगी। फर्स्ट टाइम जो कुछ चीज़ की शॉपिंग करी है, तो अगर आप लोग ऑलरेडी शॉपिंग कर चुके हो तो अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में भी लिखना बिल्कुल मत भूलना। एंड आप लोग बताना भाई ये ब्लॉग कैसा लगा, आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इस ब्लॉग को लाइक जरूर से करना, साथ साथ इस वीडियो को यानी इस ब्लॉग को शेयर कर देना। एंड मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए मस्त मस्त ब्लॉग्स आने की, काफ़ी अच्छी चीज़ जो है मैं आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूँ, तो उस पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो इतना था आज के ब्लॉग में, अगर आपके ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक जरूर से करना, शेयर जरूर से करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ऐसी वीडियोस में रोजाना अपने चैनल पर आता रहता हूँ। मिलता हूँ नई वीडियो, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।